हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा या विजयादशमी का पावन पर्व मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध कर लंका विजय प्राप्त की थी। इसी के चलते शहर में भी जगह जगह रावण दहन किया गया, लेकिन कोरिया नियमों की बंदिशों के बीच। विजयादशमी के दिन जगह जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रावण का दहन करने से व्यक्ति के अवगुणों का नाश होता है तथा रोग दोष संकट आदि से मुक्ति मिलती है और ग्रह दोष खत्म होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी इस दिन का विशेष महत्व है। विजयादशमी के पावन पर्व पर शस्त्र पूजन का भी विधान है। इस अवसर पर शहर में भी जगह जगह उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने इस अवसर पर बधाइयां दी। हालांकि प्रशासन की ओर से कोरोना नियमों के चलते रावण दहन पर पाबंदियां लगाई गई थी, जिसके चलते शहर में रावण दहन किया गया, लेकिन कोरोना नियमों की बंदिशों के बीच। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर शहर का संपर्क प्रमुख करके एक दायित्व है मुझ पर। 2008 से हमने इसकी शुरुआत की। इसके प्रमुख मार्गदर्शक अभी हाल ही में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है प्रवीण जी दटके, इनके मार्गदर्शन में रावण दहन समिति का कार्यक्रम चालू किया। 2008 से लगभग निरंतरण से ये कार्यक्रम चल रहा है। कोरोना की वजह से 2020 में ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। ये कस्तूचन पार्क के बाद सबसे बड़ा रावण दहन चिटनिस पार्क में होता है। पहले हम इसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट करते थे, लेकिन अभी एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल चलते हुए आने वाले को मास्क, दो लस, किसी ने कोवैक्सीन लिया होगा, किसी ने कोविशील्ड लिया होगा, उसकी दोनों लस हुई होंगी, उसी को ही प्रवेश दिया जाएगा। और कम से कम लोगों में ज़्यादा इंटरटेन हो सके, पटाखा शो का भी आयोजन किया है। हर साल यहाँ पे आने वालों की संख्या कम से कम लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच में रहती है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस साल संख्या कम से कम 500 से 1000 के बीच में रहेंगी। वो भी संख्या वो रहेगी जिन्होंने